Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, welcome back to another vlog. Good morning everyone. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी हूँ बहुत अच्छा. तो जन्मदिन मनाने का या फिर घर में कुछ सेलिब्रेट करने का जो फीलिंग्स था वो कल तक था, लेकिन आज से फिर से मुझे रेगुलर लाइफ लीड करना है. तो अभी मैं पूजा करने जा रही थी, उसके पहले जब मैं ये ड्रेसिंग टेबल के पास में खड़ा हुई तो मुझे लगा कि बहुत धूल जम गया है. हर रोज मैं ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से धूल आके वहां पर जमा हो जाता है मुझे काम कराने के लिए. तो मुझे लगा चलिए एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं. तो अभी मैं करूंगी ये दो जो ड्रेसिंग टेबल का ग्लास है उस ग्लास को क्लीन. उसके लिए मुझे चाहिए कॉलिन जो अभी उस घर में है. तो चलिए लेके यहाँ पर रहता है मेरा कॉलिन. एक्चुअल में वहां पर रहते नहीं है, यहाँ पर ही ड्रेसिंग टेबल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब कुछ ओकेशन होता है तो सारा चीजें बच्चों और बड़े भी इधर उधर कर देते हैं, तब भी ये उधर था. तो चलिए ले लिया है कॉलिन. क्लीन करने के लिए हमारे यूज किया हुआ कुछ पुराना कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा यूज करती हूँ. उससे ग्लास क्लीन करने से ग्लास में कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं होता है, तो इसीलिए मैं पसंद करती हूँ कॉटन का कपड़ा यूज करना. देखने में शायद थोड़ा सा ऑड लगता हो, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा रहता है ग्लास क्लीन करने के लिए. ड्रेसिंग टेबल का कांच जो अभी बहुत ही गंदा है, आप लोग देख सकते हो, उधर देखिए कुछ स्क्रैचेस वगैरह जमा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ गंदा है और नीचे भी बहुत ही धूल जमा हुआ है. पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं. और ये भी बहुत ही गंदा है अभी. ये मैंने लिया है कॉलिन और ये है कॉटन का कपड़ा जो मेरी बेटी का है, छोटी बेटी का यूज किया हुआ, बहुत ही सॉफ्ट है. तो इसे करेंगे अभी ग्लास को क्लीन. दुनिया का हर हाउसवाइफ को सुबह से लेके रात को सोने जाने तक मशीन के तरह काम करना पड़ता है, लेकिन इसके बीच में हम लोगों का एक फेवरेट कॉर्नर होता है ये ड्रेसिंग टेबल, जिसका एक्सेप्शनल मैं भी नहीं हूँ. मुझे भी बहुत पसंद है मेरा ये ड्रेसिंग टेबल, और उससे भी ज़्यादा पसंद है ये ड्रेसिंग टेबल को एकदम क्लीन चकाचक रखना और इसको ऑर्गेनाइज्ड करना. मेरे ड्रेसिंग टेबल के अंदर ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, लेकिन ये मेरा शौक है कि ड्रेसिंग टेबल को एकदम सुंदर से ऑर्गेनाइज्ड करके रखूँ. तो मैं वही करती हूँ, मैं हर रोज़ अपना ड्रेसिंग टेबल को डस्टिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ सुबह सुबह जब मैं आईने के पास में आती हूँ तो मुझे मिलता है बहुत सारा धूल, और तभी मेरा दिमाग एकदम गर्म हो जाता है. मुझे ये ड्रेसिंग टेबल पर, मेरा प्यारा प्यारा ड्रेसिंग टेबल पर ये धूल मिट्टी मैला ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो मैं तब भी लग जाती हूँ ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करना, इसीलिए मेरा अभी सुबह सुबह काम हो गया है कि मैं ड्रेसिंग टेबल को पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद अपना फेस देखती हूँ, उसके बाद अपना मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ. बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सुबह अगर शुभ चीज़ें देख के अपना दिन स्टार्ट किया जाए तो दिन अच्छा जाता है, तो ये बात मैं बहुत मानती हूँ. इसीलिए मैं चाहती हूँ एकदम स्वच्छ सा एक आईने में अपना फेस देख के डे को स्टार्ट करूँ, ताकि मेरा दिन अच्छा जाए. तो ये टिप्स आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, देखिएगा मेरे जैसे आप लोगों का भी डे बहुत अच्छा जाएगा. और आईने के बारे में अगर इतना बातें कर लिया तो और एक टिप्स आप लोगों के लिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी ग्लासेस अगर टूटा होता है या फिर फटा होता है तो वो ग्लासेस को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए ग्लासेस से घर में नेगेटिव एनर्जी का एंट्री होता है और उससे घर में सुख शांति में इफ़ेक्ट पड़ता है. तो आप लोगों से मेरी यही सलाह है कि अगर घर में घड़ी,
या फिर मोबाइल या फिर कोई भी ड्रेसिंग टेबल, शोकेस, इस तरीके का किसी भी चीज़ों का ग्लास अगर टूट जाए या फिर फट जाए तो उसको निकाल दीजिए या फिर चेंज कर लीजिए, अदरवाइज़ घर में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये बात हर कोई मानेगा या फिर हर किसी को मानना है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास रखते हो तभी ये करना, अदरवाइज़ ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप लोग इस बात को मानते हो कि नहीं है मानते हो। लेकिन मुझे जो पता था, मेरा जो मानना है वही मैंने यहाँ पर बोल दिया है। ये ड्रेसिंग टेबल का ग्लास एकदम क्लीन हो गया है और इसमें मेरा ये खूबसूरत सा चेहरा और भी खूबसूरत लगने वाले हैं अभी। लेकिन इसको बाद में देखेंगे, पहले ये जो ग्लास है इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। फेस को मन का आईना माना जाता है, तो इसीलिए फेस अगर खूबसूरत हो तो आईना भी एकदम क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज़ अनक्लीन आईने में अपना फेस धुंधला धुंधला सा लगता है और तब ऐसा लगता है कि मेरा मन भी शायद धुंधला धुंधला है। तो अगर फेस और ग्लास दोनों एकदम क्लीन हो तब एकदम मन खुश हो जाता है और डे बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है। तो अभी दोनों ग्लास हो गया है एकदम क्लीन। तो मैंने ग्लासों को क्लीन कर लिया है। ग्लास को क्लीन करने के लिए मैंने कोलिन यूज किया और एक एकदम सॉफ्ट कॉटन सा कपड़ा यूज किया। इससे ग्लास क्लीन करने से ग्लास बहुत ही अच्छा रहता है और ग्लास में कोई भी स्क्रैचेस नहीं होता है। आप लोग अगर हो सके तो ऐसे कपड़े अगर यूज करेंगे ना तो ग्लास में एकदम कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएगा, ये गारंटी मेरा है। तो मेरा ये क्लीनिंग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और जो नए फ्रेंड हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा गाइस।